सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24x7 को और दबाए इस बेल आइकन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की थी। इनमें भारत के कई शहर भी शामिल हैं। भारत की टॉप 10 शहर जो इस लिस्ट में शामिल हैं, लोगों के लिए हवा में जहर परोस रहे हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर राजधानी दिल्ली है। पर्टिकुलेट मीटर यानी प्रदूषण मापने का पैमाने के मुताबिक जहां हवा का PM2.5 माइक्रोन होना चाहिए, वहीं दिल्ली में इसकी मात्रा 153 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है, जबकि PM10 की मात्रा 286 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर भी यही पाई गई है। इस लिहाज से दिल्ली में रहना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। बिहार की राजधानी पटना में जो हवा मौजूद है वो किसी स्वस्थ इंसान को दिल और फेफड़ों की बीमारी दे सकता है। WHO की लिस्ट में ये शहर दूसरे पायदान पर है। यहाँ मौजूद इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को गंभीर बीमारियों की चपेट में भेज सकता है। छोटा सा शहर ग्वालियर भारत के प्रमुख शहरों से भी ज्यादा प्रदूषित माना गया है। यहाँ हवा में लगातार टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती जा रही है। लोगों में हार्ट अटैक के अलावा कई तरह की सांस संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर में चलने वाली गाड़ियों में मात्र 25% ही इको फ्रेंडली है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इस शहर को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा योगदान निभा रहे हैं। हवा में घुला जहर लोगों के अंदर कई तरह की बीमारियां घर करवा रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तो ये शहर चौथे स्थान पर है, लेकिन जिस स्पीड से इस शहर का प्रदूषण बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। अहमदाबाद अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कारण जाना जाता है, लेकिन इनकी वजह से यहाँ प्रदूषण भी काफी बढ़ रहा है। चिमनियों से निकलने वाला जहर लोगों को हवा में बीमारियां परोस रहा है। हालांकि गुजरात सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए कई स्टेप्स ले रही है, लेकिन अभी भी यहाँ होने वाली कई मौतें प्रदूषण के कारण हो रही है। फिरोजाबाद शहर रंगीन कांच की चूड़ियां बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन ग्लास इंडस्ट्री के कारण यहाँ प्रदूषण भी काफी ज्यादा हो रहा है। हवा में जहरीली गैस मिलती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई अनऑथोराइज्ड फैक्ट्री भी चल रहे हैं, जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमृतसर में होने वाले प्रदूषण के कारण हर दिन करीब 80 लोगों की मौत हो रही है। प्रदूषण के कारण यहाँ बने गोल्डन टेम्पल पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मंदिर की बाहरी दीवारों का रंग इस वजह से फीका पड़ता जा रहा है। इंडस्ट्री के अलावा ट्रैफिक से भी काफी प्रदूषण हो रहा है। इस शहर में काफी धूल उड़ती है। डस्ट पार्टिकल्स के कारण शहर में सांस लेना काफी मुश्किल है। यहाँ चलने वाली गाड़ियों के अलावा ग्रीन हाउस गैसों की वजह से यहाँ की हवा में जहरीले पदार्थ काफी ज्यादा शामिल हो गए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में सांस से संबंधित बीमारियों में इजाफा हो रहा है। आगरा में होने वाले प्रदूषण के कारण ताजमहल पर भी असर पड़ रहा है। लोगों में जहाँ कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है, वहीं ये शहर प्रदूषण के कारण अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू भी खोता जा रहा है। पंजाब की राजधानी लुधियाना वैसे तो लिस्ट में 10वें नंबर पर है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य खतरनाक गैस मिक्स करते हैं।